जय हिंद एवरीवन। आसाम राइफल का फिजिकल देने जितने भी भाई जा रहे हो, सभी भाइयों को बेस्ट आप लक। बहुत सारे भाई तो जा ही नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके गांव से उनके साथ कोई जाने वाला नहीं है, उनका कोई साथ ही नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर जाना है, जिसकी वजह से बहुत सारे भाई नहीं जा रहे हैं। ऑनलाइन भी कराए हैं, उनका एडमिट कार्ड भी आया है, फिर भी नहीं जा रहे हैं। और देखो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर जितने भी भाई कन्फ्यूजन में हो ना, कन्फ्यूजन में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। अभी जितने भी भाई जा चुके हैं, मेरे सब्सक्राइबर बहुत लोग वहाँ पर गए थे, जिनसे पता चला है उन लोग का दौड़ हो चुका है, पूरा का पूरा टाइमिंग मिल रहा है, दौड़ तो सभी लोगों का निकल रहा है। और ट्रेड टेस्ट में भी ना, जो कुक के लिए है, नॉर्मल पूछा जा रहा है, मतलब उतना हार्ड नहीं हो रहा है। देखो, पेपर का भी डेट पता चल जा रहा है, तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो, रेसर सैदुल भाई से भी बात होता है, उसका भी फिजिकल निकल चुका है और उसका 4 जनवरी को पेपर होने वाला है, तो उससे मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर, जो पुलिस थाने मतलब पुलिस वाला जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है ना, एसपी ऑफिस पर जो बनता है, तो उसको लेकर जितने भी भाई कन्फ्यूजन में हो, कन्फ्यूजन में नहीं पढ़ो। मैं रेसर सैदुल भाई से भी पूछा था और बाकी लोगों से भी पूछा था, अगर मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ नहीं लेकर जाऊँगा, मेरा फिजिकल निकल जाएगा और सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाऊँगा, तो मुझे वहाँ से भगा देंगे सब क्या, मुझे पेपर में नहीं बैठने देंगे सब क्या? तो ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा बोल रहे थे सब कि देखो, आपको भगाएंगे सब नहीं, फिर आपको घर भेज देंगे सब, और आपको 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद आपको टाइम दिया जाएगा कि आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा कर आप वहाँ जमा कर देना। तो फिर आपको पता है, आपका टाइम भी बर्बाद होगा, 15 दिन के बाद आपको जाना पड़ेगा, तो इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। देखो, मुझे भी आसाम राइफल का फिजिकल देने जाना है ना, तो मेरे दिमाग में भी चल रहा था, मेरे पास तो सारा का सारा डॉक्यूमेंट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाऊँ या नहीं बनवाऊँ, तो ये सब दिमाग में चल रहा था। कुछ भाई ऐसा बोल रहे थे, जब दौड़ निकालोगे तब कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, 15 दिन का टाइम मिलेगा, जब पेपर हो जाएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन फिर भी मैं कल गया था, और जैसे एक मेरा दोस्त है जो ऑनलाइन करता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर कोई भी ऑनलाइन से आप लोग को कुछ भी पूछना रहेगा ना, आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि वहाँ कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है, और वो भाई वीडियो नहीं बनाता है, इसके पहले भी एक चैनल बनाया था, लेकिन पता नहीं कैसे उसका डिलीट हो गया, फिर नया चैनल बनाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उस भाई को पता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिया, बहुत सारे भाई बोलते थे तहसील में जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन देखो, मैं और मेरा एक दोस्त एक आधार कार्ड और 2 फोटो लेकर गए थे और उस भाई को दे दिए, जो मेरा दोस्त है जो ऑनलाइन करता है, मैं उससे बोला मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो वो ऑनलाइन कर दिया है, अभी एसपी ऑफिस पर जाना पड़ेगा, तो वो बता देगा, एसपी ऑफिस पर जाएंगे, एक जैसे रहेगा फार्म रहेगा, उसको भरकर फोटो लगाकर वहाँ मोहर लगेगा, ठीक है ना, और वहाँ से आपका जहाँ थाना रहेगा, आपका जिला कार्यालय जहाँ एसपी ऑफिस रहता है ना, वहाँ जब आप अपना फार्म जमा कर दोगे फोटो लगाकर, तो वहाँ से आपके थाने पर आएगा, ठीक, वो फार्म, और फिर आपका जांच होगा कि आपके नाम पर कोई FIR नहीं ना है, कोई मुकदमा नहीं ना है, जैसे आप कोई कांड नहीं ना किए हो, तो यही सब जाँच होगा, आपका कैरेक्टर कैसा है, आप लफड़ा झगड़ा नहीं ना करते हो, ये सब जाँच होने के बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाएगा, तो आप लोग के ऊपर है भाई, आप लोग बनवा लेना। देखो, मैं तो कन्फ्यूजन में था, जिस तरह बहुत सारे भाई इस तरह कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो बनवा लेना यार, अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब शायद 6 महीने तक मतलब रहता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और एक बात और भाई, आप लोग अगर भर्ती की तैयारी कर रहे हो ना, तो मार झगड़ा से दूर रहना, आप नहीं, आपको नहीं चाहते हुए भी आपको फंसा देंगे सब, मतलब जो अगल बगल के रहते हैं ना, आप रहोगे कहीं और अगर घर पर झगड़ा होगा किसी बात विवाद को लेकर, तो आपका नाम पहले डालेंगे सब थाना में, चौकी में, क्यों, क्योंकि आप लाइफ में कुछ कर जाओगे, आप सोचते होंगे सब ये लड़का मेहनती है, ग्राउंड पर जाता है, तैयारी करता है, तो इसलिए आपको फंसाने के चक्कर में बहुत लोग लगे रहेंगे, तो थोड़ा मतलब साल भर 2 साल 3 साल जब तक तैयारी कर रहे हो, तब तक मार झगड़ा से दूर रहना, और मार झगड़ा में कुछ रखा नहीं रहता है भाई, मतलब बस टेंशन रहेगा, इसको मारो, उसको पीटो, यहाँ थाना में जाओ, वहाँ चौकी में जाओ, ये कोई लाइफ नहीं होती है भाई, लाइफ है तो यार अच्छे से जियो, थोड़ा कुछ अलग करो कि हाँ कुछ अलग नाम हो, ठीक है ना, तो इसलिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आप देखते हैं, 8 जनवरी को तो मेरा फिजिकल खुद का है और इधर पेपर भी होने वाला है स्कूल में, तो फिर भी चलेंगे वहाँ पर, रेसर सैदुल भाई से भी मिलना है, आप देखते हैं। और देखो, आसाम राइफल में फिजिकल थोड़ा मतलब हार्ड नहीं हो रहा है, लेकिन भाई नहीं जा रहे हैं सब, जिसके कारण चांसेस बहुत मतलब ज़्यादा रहता है, तो इसलिए आप लोग छोड़ना नहीं। अभी देखो, SSC GD का जो आया था, अब पता नहीं आया था पेपर हो गया, उसका रिजल्ट किस तरह निकलेगा किस तरह नहीं, और फिर कितना साल बाद वो फिर SSC GD का भर्ती आएगा, किसी को पता नहीं है,
इसलिए अभी देखो ज़्यादा दिन की बात नहीं है, अभी जब यूपीपी में लोगों का सिलेक्शन हुआ था ना, तो हमारे ही ग्राउंड से एक ऐसे भाई थे जो थोड़ा बहुत पढ़ाई करके, घर पर पढ़ाई करके तुक्का मारे थे, उनका यूपीपी में सिलेक्शन हो गया। लेकिन हाइट उनका बहुत ज़्यादा कम था, वो तो काम सीखते थे जाकर, लेकिन यूपीपी में उनका मतलब हो गया था, सब कुछ हो गया, लेकिन हाइट में बाहर निकल गए। तो किसका नसीब कहाँ ले जाएगा कोई जानता नहीं है। तो इसलिए भाई जितना हो सकेगा उतना आप लोग जाना, और आसाम राइफल भर्ती देखने के लिए ज़्यादा दूर जाना है, कोई एक दिन का तो रास्ता नहीं है। तो यही सब सोचकर भाई नहीं जा रहे हैं सब बहुत लोग, तो ऐसा गलती नहीं करो यार। आप लोग देखो जितना हो सके उतना प्रयास करो, जाओ, हम लोग भी चलेंगे, पूरा कोशिश करेंगे। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है, पेपर भी देना है। चलो ठीक है भाई लोग, जय हिंद। अभी हम भी आए थे दातुन वतुअन तोड़ लें। ये देखो ये पूरा का पूरा दातुअन पड़ा हुआ है, ये नीम का पेड़ है, तो ये देसी दातुअन है, अच्छा दातुअन है। अभी चल रहे हैं दातुअन तोड़ेंगे, उसके बाद घर जाएंगे।